हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के कश्मीर के रूप में चर्चित चरखारी विधानसभा में। जी हाँ, महोबा जिले का चरखारी विधानसभा। ब्रजभूषण राजपूत पिछली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजयी हुए थे और इस बार भी दम ठोक के मैदान में हैं। अब अंतिम समय में क्या होता है, ये लोकतंत्र है, तमाम पार्टियाँ हैं, क्या करती हैं किसी को नहीं पता है। बहरहाल यहाँ पे जनता जनार्दन उपस्थित है। यहाँ हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, 5 साल योगी सरकार ने क्या किया, कितने कसौटी पे खड़े उतरे हैं, इस बार वोट किसकी तरफ जाएगा, इन सब चीज़ों को लेके हम यहाँ चरखारी में मौजूद हैं। आप बताइए इस बार किसकी हवा बन रही है? इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, रिपीट होगी। जी बिल्कुल। ऐसा क्या किया है कि रिपीट होने जा रही है? गरीबों को अन्न योजना के तहत फ्री राशन दिया गया, कोरोना काल में लोगों को सुविधा दी गई, 1,000 रुपये दिया गया, श्रमिकों को 10,000 का आत्मनिर्भर भारत के तहत लोन दिया गया और हर घर में लाइट का कनेक्शन। ये तो प्रदेश सरकार के काम हो गए, आपके स्थानीय विधायक की हम बात करें तो उनसे कितने संतुष्ट हैं? तो संतुष्ट ये है कि सरकार ने मिनी स्टेडियम का, मदारण देवी हमारे यहाँ पे ख्याति प्राप्त दर्शनीय स्थल है, आज तक वर्षों से रोड नहीं बना सर, पहली बार वहाँ पे सड़क का निर्माण होने जा रहा है जो सरकार और विधायक जी के प्रयासों से किया जा रहा है। आप बताइए लगता है क्या लगता है किस मुद्दे पे होगा चुनाव? चुनाव बीजेपी के हित में होगा। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे योगी जी ने, जो गरीबों के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, गरीबों को आवास दिया है और मुफ्त में राशन मिल रहा है और पैसे भी दिए हैं, इसलिए बीजेपी ही आएगी। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनने पहले तो गुंडा प्रदेश को मुक्त किया है, दूसरा किसानों के हित के लिए बहुत काफ़ी सारी योजनाएं लागू की हैं जिससे किसान वाकई बहुत खुश है। जो हर घर नल योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, जो आज गांव जहां सड़कें नहीं थी, पानी का कोई संसाधन नहीं था, उसको पूर्ण किया। जो काम प्रगत वैसे कभी प्रगत वर्षों पूर्व में जितनी भी सरकारें रही इनने कभी, ये तो आप काम गिरा रहे हैं ना, लेकिन तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अरे ये तो स्वार्थी लोग कब तक नहीं आए गए, इनका तो काम ही इसका 5 साल मजा लिया, वो उसमें चले जाएंगे उसको खराब करेंगे। अब ये तो सरकार में आ गई तो जब इनको पहचाना तो इनको भगाया गया पार्टी से, इनको पता चल गया कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है यहाँ पार्टी से, यानी ये लोग भागे नहीं, भगाया गया और भगाया तो इनको पता चल गया। क्या लगता है? देखिए मुझे जहाँ तक मेरा जानना है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं एक सनातनी भी हूँ। जहाँ तक मेरा ये जानना है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर बहुत तगड़ी है और वही आएगी, क्योंकि मैं बांदा का रहने वाला हूँ। बांदा में 40 वर्ष पहले, हम महोबा की बात कर रहे हैं, महोबा में, चलिए महोबा की बात कर लीजिए, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी तगड़ी लहर है कि कोई पार्टी उसके पक्ष में क्या हम कहने 10 सीट निकाल ले जाए बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश से 10 सीट पार्टी कोई निकाल ले जाए बहुत बड़ी बात है। इस बार पूर्ण बहुमत। आपको लगता नहीं कि थोड़ा ज्यादा आप बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं? देखिए बढ़ चढ़ने वाली कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के इतने समर्थक हैं, हर घर हर हिंदू, 80% हिंदू उत्तर प्रदेश में है। नहीं, क्या इस बार हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट पड़े? हिंदू पर हम तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी भाजपा में वोट डाल रहा है, कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं जैसे मुसलमान खुद कह रहा है कि मैं ना सपा को वोट दूंगा ना मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक हूं। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, 10 मार्च को आपको स्वयं और सब पूरे देश की जनता को पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? भाई जब सरकार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ नेता हमारे यहाँ से छोड़ के सपा में चले गए, निश्चित जबकि आप देखें कि उनकी बेटियां आज भी भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें स्वयं पता है कि बेटियां भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित हैं, अन्य पार्टियों में नहीं। निस्संदेह सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। चलिए ये तो प्रदेश स्तर की बात कर रहे हैं, हम आपके अपने चरखारी की बात कर रहे हैं, यहाँ के अगर स्थानीय विधायक के बारे में बात किया जाए तो उनसे कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 5 साल में जो योगी जी ने जो संकल्प में बताया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, कि नौजवानों को रोजगार देंगे, आप बताए काम भैया हमारे कह रहे सड़कें मुक्त, चले गाँव में कहीं भी बता दें आप सड़कें कितनी अच्छी है, तो कहाँ किसानों का हित हो गया, भैया का हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे, 80% हिंदू कौन से, हम भी हिंदू हैं, पूजा पाठ करते, लेकिन हम गाते तोता नहीं है कि योगी मोदी कहेंगे जय श्री राम, हम कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, जो हमारा
मानोगा जब हम कहेंगे? बताएं कहां 5 साल में कोई काम किया? हमारी सिर्फ एक प्रार्थना है कि योगी जी मठ चले जाए, फिर उत्तर प्रदेश खुशहाल प्रदेश बन जाएगा। आप बताइए क्या योगी जी कहां जाएंगे? योगी जी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और फिर दोबारा लौटेंगे। देखिए भाजपा और सपा में फर्क क्या है, जब सपा की सरकार थी तो सैपई में डांस हुआ करता था और भाजपा की सरकार है तो दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में। फर्क से ये है। और सुनिए हाँ पे लोग 5 गणवा है, वो चरखारी विधानसभा के गणवाने के उत्तर प्रदेश के गणवान भी हम गिना दे रहे। मोहल्ला का तो रोड डरो नहीं है। कौन तो कौन एक 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 हमारे मोहल्ले का खंडिया मोहल्ले का रोड अभी ऐसा ही पड़ा है, बिल्कुल खुदा पड़ा है। उसमें आप चलोगे भी ना साइकिल लेके तो चलना भी मुश्किल है, उससे पैडल भी। हमारे मोहल्ला खदिया में एक शमशान घाट है, आज तक चलने की रास्ता नहीं है। वहीं चेयरमैन साहब आएंगे, हम भी वहीं जाएंगे। कम से कम अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि शमशान घाट ठीक करा दे हमारा। उसका बजट पास हो चुका है, उसका बहुत जल्दी टेंडर भी हो गया, वो बनना इसके पहले हो गया, योगी जी के पहले हो गया है। आप निष्पक्ष कर रहे हैं सर, और इसके पहली बात सुनिए, डीएम साहब ने वहाँ का निरीक्षण करके उसको पास कर दिया है और जोश में है जनता। हाँ सुनते रहिए। हाँ तो ये वो पास हो गया, बनना है शमशान घाट की रास्ता भी बन रही है, एस्टीमेट भी बन गया है, टेंडर भी पास हो चुका है। और भी कुछ युवा है आपके पीछे, आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? इस बार यही है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार ने बेटियों को भी सुरक्षा दी है, युवाओं के लिए भी हल्का रोजगार का इनका बुरा है कि रोजगार ज्यादा नहीं दे पाए हैं क्योंकि भर्ती कैंसिल हुई, पेपर लीक हुई, इसी की वजह से रोजगार नहीं दे पाए, फिर भी जीतेंगे रोजगार। 2 साल तो कोरोना वैसे ही चला गया, उसमें रोजगार कहाँ से? अगर भर्ती लाते तो युवाओं को दिक्कत, बोले कोरोना की वजह से भी भर्ती कर रहे हैं। आएगी तो यही, मगर ये है परेशानियां तो हुई हैं, कुछ परेशानियां भी हुई हैं, कोरोना के कारण भी व्यापारों में दिक्कत आई है, लोगों के शिक्षा में दिक्कत आई है। आप अपने बुंदेलखंड की समस्याएं बताइए, क्या है इधर की दिक्कत? बाकी इधर की थोड़ा व्यवस्थाएं, वही रोड नहीं थे पहले, अब रोड थोड़े देखने लग गए कि चलो एक्सप्रेस वे बन रहा है, आवागमन बढ़ेगा। अभी तक तो ऐसा था कि बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था हमारा, अब थोड़ा थोड़ा सा विकास की ओर बढ़ रहा है। ये क्या लगता है, विकास हो रहा है क्या? जी विकास बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे जो किसानों की प्रमुख समस्या थी पानी को लेके, तो हर घर नल और अर्जुन सहायक परियोजना के तहत यहाँ पे जो सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो विकास पूर्ण रूप से हो रहा है और धीरे धीरे हमारा बुंदेलखंड विकास की ओर अग्रसर है। पुनः सरकार भाजपा की बन रही है और योगी जी पुनः सरकार बना के वो बचे जो काम हैं वो भी करेंगे। चलिए उम्मीद है कि बचे हुए काम होंगे। आप बताइए क्या लगता है? सही साहब बढ़िया सरकार चल रही है, चलना चाहिए। चलना चाहिए। आपको कुछ लाभ हुआ? हाँ लाभ हुआ, राशन पानी बिजली कुछ मिला? मिल रहा है, मिल रहा है। क्या मिला बताइए? कोटा मिल रहा है, वो पैसा है जो मिल रहा है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है वर्तमान में। आप जब से मैं पैदा हुआ हूँ चरखारी में कोई रास्ता, ये बड़ेरिया के महावीर की रास्ता आज तक बनी नहीं थी चरखारी में, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क को निर्माण किया है और चरखारी में महिला सुरक्षा हेतु महिला थाना यहाँ पे खोला गया है। हर जनपद में महिला थाना की सुरक्षा अलग की गई है। और जो 100 नंबर में पहले 100 नंबर जो चलती थी उसमें सिर्फ पुरुष रहते थे, इस टाइम पे महिलाओं के लिए 100 नंबर पे भी 2 पुलिस वाले साथ में रहते हैं, महिला सुरक्षा के लिए 2 पुलिस साथ रहते हैं। हाँ, बताइए दादा क्या करना? हाँ, सरकारी मेंबर है। सरकार भाजपा की बनेगी, ऐसा क्या किया कि फिर से बनेगी? गरीब के लिए बहुत कुछ काम किया है। अभी देखिए आपको राशन फ्री मिल रहा है 2 बार, और जो आवास दिए उसमें किसी जाति को पूछ कर नहीं दिया, राशन किसी को जाति को पूछ करके नहीं दिया जा रहा है। सबके साथ सबका विकास है, ये सबका साथ है सबका। आप सही बात कर रहे हैं। आपको क्या मिला साहब? हमको हमारा है लाइट का बिल बहुत चरखाई में सब में ज्यादा आ रहा है, और दूसरी बात किसानों को मिल रहा है नाम रुपया पैसा, और जो छोटे मजदूर हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कितना रुपया मिला आपको? हमको कुछ मिला सर। वोट किसको देंगे फिर? मैं भाजपा को। कुछ मिला नहीं फिर भी भाजपा को देंगे? हाँ भाई ऐसा का है वो अपनी करा है, अच्छी है अच्छी है।
यानी तो प्रेम है, कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बताइए, युवा होने के नाते भाजपा सरकार आएगी 10 मार्च को फ्रॉगवा लहराएगा। दूर कर लो तुम यार, आप युवा है, रोजगार वगैरह की समस्या है आपको नहीं? रोजगार तो सब सरकार, कोई सरकार हो चाहे दे चाहे ना दे, रोजगार तो हर सरकार दे। रोजगार की मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है, पिछली सरकार में भी रोजगार किसी को नहीं मिला, इस सरकार ने खूब प्रयास किया, रोजगार दिए हैं, अभी सरकार फिर आई फिर रोजगार देगी। बताइए, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता है, जो लगनशील रहता है, उसको नौकरी लगती है, और जो नहीं पढ़ता उसको तो नौकरी लगती नहीं है। रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगार वो लोग रहते हैं जो पढ़ते नहीं है, तो नेता बन जाते हैं, नहीं नेता कैसे बनेंगे फिर? युवा कहाँ मिलेंगे आपको पार्टी में? जो पढ़ने वाला लड़का है, अच्छा है, बैकग्राउंड है, उसकी नौकरी लगती है, चाहे जिसकी सरकार है। यानी आपके अनुसार ये जो लोग नेता सब अनपढ़ है, नेता आधे से ज्यादा अनपढ़ है, आधे से ज्यादा अनपढ़ है, जैसे कि योगी जी। नहीं नहीं, योगी जी काहे के लिए है, योगी तो पढ़ा लिखा है, एमएससी किए, लेकिन बहुत से ऐसे पढ़े लिखे अनपढ़ नेता है, हैं, बहुत से ऐसे नेता है, अनपढ़ तो होते ही है, जो पढ़ा लिखा है वो तो नौकरी करता ही है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी उसको रहती है जो पढ़ता नहीं है। बाकी सुख है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने सबरी संसार में बेच चुके हैं, सरकारी पूरे प्राइवेट कर दे का, कौन सी बेच लो, BSNL ले लो, एयरपोर्ट ले लो, हर चीज। एक संस्था बताएं कौन सी बेच दी? आपको भी टीन का चश्मा चढ़ गया? नहीं, हमें टीन का चश्मा नहीं चढ़ा, आपको टीन का चश्मा चढ़ा है। पेपर लीक भाई, क्यों पेपर लीक भाई? पेपर लीक कौन सी सरकार में नहीं हुए बताएं हमें? आमने सामने पेपर कौन सी सरकार में लीक नहीं हुए हमें एक बताएं? नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार किए थे, कहाँ दिए? कहाँ दिए? रोजगार बराबर मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? आप टीचर की नौकरी वैकेंसी निकली, पहले टीचर की वैकेंसी निकली, चाचा भतीजे की बहस हो रही है, बताइए टीचर की वैकेंसियां निकली है, रेलवे में भी निकली है, पुलिस में भर्ती हुई है। अरे आप उधर लोग देख के बताइए कहाँ रोजगार? अरे आप बताइए कितने टीचरों की भर्ती हुई है? रेलवे में नौकरी लगी, पुलिस में नौकरी लगी। यह है चरखारी विधानसभा की जनता, चूँकि तिथियां घोषित हो चुकी है, प्रत्याशी भी आ चुके हैं मैदान में, कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है, इसलिए गर्मी इस तापमान में बढ़ती जा रही है। हालांकि ठंड है, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। बहरहाल बने रहिए भारत समाचार पे, हमारे चैनल के माध्यम से YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और बने रहिए लगातार भारत समाचार पे। फिर मिलेंगे जय जय श्री राम।